कैथल के कलायत स्थित खडालवा मंदिर में भी महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। रात करीब 12:30 बजे से ही शिवलिंग पर श्रद्धालुओं ने जल चढ़ाना शुरू कर दिया। वहीं महामंडलेश्वर सहजानंद गिरी महाराज ने बताया कि खडालवा मंदिर में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ करीब महाशिवरात्रि पर सैकड़ों कांवड़िया भी पहुंचते हैं। वहीं कलायत थाना प्रभारी जयवीर शर्मा ने बताया कि पुलिस प्रशासन की ओर से सुबह से ही चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो ऐसे प्रबंध किए गए हैं। सबसे पहले तो सभी शिव भक्तों को और पूरे देश को और समस्त विश्व में रहने वाले सभी सनातन धर्म के मानने वालों को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे विश्व में जैसे कि हमने देखा, पिछला साल जो है कोरोना से ग्रस्त रहा और इकोनॉमी से लेकर हर चीज़ जो है एक ठप सी हो गई थी। अब थोड़ा थोड़ा ये सब रूटीन में आ रहा है और बड़ी ही हर्षोल्लास से इस वक्त जो है पूरे विश्व में महाशिवरात्रि का पर्व आज के दिन मनाया जा रहा है। आज एक त्यौहार ही नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र में रहने वाले सभी हमें सनातन धर्म वासियों को, सनातन धर्म मानने वालों को जोड़ने का भी एक ये पर्व है। सनातन धर्म में हम मानते हैं कि भगवान शिव सबसे सर्वोच्च है, कैलाशवासी महाशिव सबसे सर्वोच्च है और उनके विवाह के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का यह पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मान्यता भी है और पुराणों में भी है कि आज के ही दिन भगवान शंकर का विवाह जो है हिमाचल में हुआ था, हिमाचल के यहाँ माता पार्वती से, तो इसी उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मैं पूरे देश से अपील करता हूँ महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी एकजुट होकर देश में एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की मदद करें और कोरोना से लड़ने के लिए जो गाइडलाइन सरकार ने दी है उसका पालन करते हुए, जो सरकार के, राज्य सरकारों के और स्थानीय प्रशासन के जो नियम है उनका पालन करते हुए महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं। मैं पुनः एक बार पूरे देशवासियों से और समस्त विश्व को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ। यहाँ हम मटोर में एक खड़ालवा तीर्थ है, हमारे कुरुक्षेत्र का जो 40 कोस का एरिया है उसमें भी ये तीर्थ है और सबसे बड़ी बात ये है मटोर क्षेत्र में ये मृत्योर मुक्ति है। माँ मृता जो महामृत्युंजय मंत्र में जो गाया जाता है ये वही मृत्योर मृत्यु से मुक्त क्षेत्र है और ये वही शिवलिंग है जहाँ मार्कंड ऋषि ने तपस्या की थी और यहाँ पर सर्वप्रथम महामृत्युंजय का मंत्र यहाँ पर गाया गया था, यहीं पर भगवान शिव प्रकट हुए थे, इसी शिवलिंग पर भगवान शिव प्रकट हुए थे और उन्होंने अभिशाप से मुक्त किया था मार्कंड ऋषि को और अजर अमर होने का जो उनको वरदान दिया था वो यहीं पर दिया गया था। तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी, यहाँ के आसपास के सभी अनेक गांवों के लोग आकर मिलकर जो है यहाँ पर हर्षोल्लास से महाशिवरात्रि का पर्व मनाते हैं और यहाँ पर तो पिछली पूरी रात से ही यहाँ पर जल चढ़ाने का कार्यक्रम, पिछली रात को 12 बजे ही यहाँ आरती हो गई थी, उसके पश्चात जल चढ़ाने का ये कार्यक्रम चल रहा था तो अभी तक चल रहा है। सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ उन्हें हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।